हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे किड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मिरर कमांड। अगर आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ऑटोकैड में बनाने हैं आप, तो मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिरर कमांड लेना पड़ेगा, वो टाइप करके आप ले सकते हैं फुल कमांड मिरर। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो शॉर्टकट यहाँ पर दिया है MI, तो MI टाइप करके भी जा सकते हैं, या तो फिर मॉडिफाई मेनू में डायरेक्ट मिरर ले सकते हैं, या तो रिबन या टूल आइकॉन में आप मिरर देखेंगे वहाँ से भी आप मिरर कमांड ले सकते हैं। मिरर कमांड में कमांड देने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मिरर कर सकते हैं, या तो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है बाद में मिरर कमांड देंगे तो भी चलेगा। तो मिरर कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, अभी आपको यहाँ पे दो पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अगर आप सेकेंड पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इसका आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि राइट साइड इसका मिरर हो रहा है, लेकिन अगर आप सेकेंड पॉइंट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इसका प्रीव्यू दिखाएगा नीचे इसका मिरर हो रहा है। तो आपको कैसा मिरर करना है उस टाइप से आपको सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मिरर हो गया है। अभी कमांड पे, कमांड अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो, मीन्स मिरर होने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया वो सोर्स ऑब्जेक्ट है, उसको डिलीट करना है नहीं करना है। अगर आप नो ऑप्शन लेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप यस करेंगे कि डिलीट कर देना है तो डिलीट हो जाएगा और ओनली मिरर कॉपी रहेगी। तो जब आप मिरर करो तो ये ऑप्शन आप ले सकते हैं। सपोज मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मिरर, तो यहाँ पे आपको जियोमेट्रिक सेंटर दिखाएगा, फर्स्ट पॉइंट वहाँ लेना है, ऑर्थो बटन ऑन रखना है और राइट साइड लेफ्ट साइड क्लिक करना है, तो यहाँ पे स्टार बन जाएगा, तो जो ट्रायंगल है वो रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट नीचे की डायरेक्शन में बन जाएगा, यहाँ पे स्टार शेप क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में करना है तो भी कर सकते हैं, वो मैं भी बाद में दिखाता हूँ। पर अगर आपको मिरर के टाइम कोई डिस्टेंस रखना है अभी, ये ऑब्जेक्ट इसका मिरर करना है और बीच में मुझे गैप रखनी है सपोज 2, तो यहाँ पे आपको 1 डिस्टेंस पे एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी मिरर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, दोनों ऑब्जेक्ट रखने हो तो यहाँ पे नो ऑप्शन। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2 डिस्टेंस मिल जाएगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं लाइन की, तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिरर करना है तो भी कर सकते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर एंगल पे मिरर करना है तो भी आप कर सकते हैं। अभी इसका मिरर मुझे 120 डिग्री पे करना है, अभी ये 0 डिग्री पे है, इसका जो एंगल है वो 0 पे है और मुझे 120 पे करना है, तो उसका आपको हाफ एंगल लेना है। सपोज 0 है, 0 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 तो 60 आएगा एंगल। तो मिरर फर्स्ट पॉइंट आपको सेंटर लेना है, फिर एट द रेट लिखना है, फिर आपको पोलर मेथड से आपको एंगल लेना है, तो एट द रेट डिस्टेंस। अभी यहाँ पे डिस्टेंस आप कोई भी लिख सकते हैं, मिरर कमांड में जो डिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर एंगल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, किस डायरेक्शन से मिरर करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 लेस देन मैं लिख रहा हूँ 60, एंटर। अभी यहाँ पे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट या सोर, नो, दोनों ऑब्जेक्ट आपको रखने हैं, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नो, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिरर हो गया है 120 डिग्री पे।
तो दोनों के बीच में 120 डिग्री क्रिएट हो गया। तो ऐसे आप मिरर से कोई भी ऐसा कोई ड्राइंग बनाना है तो आप बना सकते। अभी मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ दूसरा। सपोज हमने ऐसी लाइन बना दी। अभी मिरर का मान ऑर्थो आपको ऑन रखना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर। अभी ये हो गया। अभी मुझे इस सेम चीज 90 डिग्री पे, सेम आइटम 90 डिग्री पे जाइए। तो मिरर यहाँ पे आपको फर्स्ट लेना है, 0 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे मिरर हो जाएगा। अब इसका मिरर मुझे करना है लेफ्ट साइड, तो यहां से हम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड। ओके, तो एक ही जो ऑब्जेक्ट था वो भी हाफ, उससे हमने पहले राइट साइड का एक पार्ट बनाया, फिर उसका मिरर का हमने मिरर करके हमने 90 डिग्री पे उसका दूसरा पार्ट बनाया, फिर इसका मिरर हमने लेफ्ट साइड किया तो तीसरा पार्ट बना, और इसका मिरर नीचे कर दिया तो फोर्थ पार्ट बन गया। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और आपको ड्रॉ नहीं करना है तो आप मिरर से बना सकते हैं। ओके, तो इस कमांड के बारे में आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे ब्लॉग पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मिरर कमांड डिटेल में दिया है थियरी में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे कमांड के साथ। आपको कोई भी डाउट हो तो easywaycad@gmail.com पे भी आप लिख सकते हैं और कमांड बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो आपका धन्यवाद। अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड में शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू, आपका धन्यवाद।